आइए एक बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां एयर इंडिया की महिला केबिन क्रू मेंबर पर हमला का मामला सामने आ रहा है। लंदन के होटल में केबिन क्रू मेंबर पर अटैक की खबर, आरोपी नाइजीरियाई नागरिक अरेस्ट बताया जा रहा है। एयर इंडिया की केबिन क्रू फ्लाइंग पर अक्सर होटल में स्टे होता है। लंदन के एक होटल में ऐसी ही क्रू मेंबर का स्टे था, उस दौरान हमले की खबर आई है। मृत्युंजय के पास डिटेल है, फोन लाइन पर वो मौजूद है। मृत्युंजय, क्या है ये पूरा मामला, जरा समझाइए। देखिए, बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है और बहुत चिंताजनक मामला है। जो एयर इंडिया एयरलाइन है उसमें की महिला केबिन क्रू है, जो कि भारत से उड़ान भर के लंदन पहुंची थी और वहां पर केबिन क्रू का होटल में स्टे था अगली फ्लाइट से पहले। और ये हीथ्रो एयरपोर्ट के पास में होटल है, एक दुनिया का नामी होटल है, इंटरनेशनल होटल है। और इस होटल में जब महिला केबिन क्रू अपने कमरे में थी तो उसमें एक नाइजीरियाई व्यक्ति उस कमरे में दाखिल हुआ, जबरन कमरे में दाखिल हुआ और महिला के साथ असॉल्ट का मामला सामने आया है। शारीरिक रूप से महिला प्रताड़ित की गई, ऐसा मामला सामने आया है। उसे चोट पहुंची है और इस मामले में, ये बेहद चौंकाने वाला मामला, इस मामले में आरोपी नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल महिला पीड़िता की काउंसलिंग की जा रही है, उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और इस मामले में एयर इंडिया वहां पर जो लंदन पुलिस के साथ मिलकर जो भी आवश्यक जानकारियां हैं या चीजें उपलब्ध कराने का काम एयर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले का फॉलोअप एयर इंडिया देख रही है। एक बार फिर से उस होटल का नाम बताइए, क्योंकि कितनी प्राइवेसी होती है किसी विजिटर के लिए, इंफॉर्मेशन होती है, परमिशन होती है, ये सारी चीजें, सारे प्रोटोकॉल्स को जंप करके कोई किसी के रूम में एंटर कैसे करता है, वो भी ऐसे क्रिमिनल साइकी वाला इंसान। बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाला मामला है, इसीलिए ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। ये हीथ्रो एयरपोर्ट जो कि दुनिया का नामी एयरपोर्ट है, उसके ठीक पास में इंटरनेशनल एयर होटल है और इंटरनेशनल एयर होटल में पूरे दुनिया भर के गेस्ट आकर रुकते हैं। उसी में एयर इंडिया के भी जो केबिन क्रू है उनके रहने की व्यवस्था की जाती है उनकी अगली फ्लाइट से पहले। और इसी में जो हमारे एयर इंडिया की महिला केबिन क्रू थी वहाँ इस होटल में ठहरी हुई थी, जिसमें जबरन एक नाइट। बहुत बड़ा मामला है, ये मामला तूल पकड़ना भी चाहिए। मृत्युंजय, कोई महिला अगर सफर करती है और किसी नामी गिरामी होटल में सेफ्टी के लिए वहाँ ले ऑफ है या फिर नॉर्मल भी अगर स्टे है, तो उसकी सिक्योरिटी, इसकी सारी जिम्मेदारी होटल की होती है। ऐसे में देखना है कि पूरा मामला कहां तक जाता है, उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आती है। शुक्रिया मृत्युंजय, जो जानकारी आपने साझा करी। आइए हम आगे बड़े बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली आ रहे हैं और चंपई के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक भी हैं। अब चंपई के बीजेपी में जाने की अटकलें तो थी ही, इस पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि सब ठीक है, जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन उनका दिल्ली आना अब कई तरीके के सवाल लेकर आ रहा है। कल असम से कोलकाता पहुंचे थे चंपई और झारखंड भवन के कमरे भी बुक किए गए थे। ऐसे में इतनी सारी ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग का कनेक्शन तमाम चीजों की तरह इशारा कर रहा है। ऐसे में सियासी उठापटक तो होगी, सवाल तो बनेंगे, चंपई सोरेन के साथ 3 विधायक भी कोलकाता से दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इस दरमियान इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखिए, लगातार ऐसे में सवाल भी उठाए गए। हालांकि उन्होंने क्लियर किया कि जहां है वही रहेंगे, लेकिन आज की ये विजिट किस मद्देनजर है, जहां आज चंपई के दिल्ली दौरे से जुड़ी एक और जानकारी आपको बताएं। जेएमएम विधायक समीर मोहंतो लोबिन हेम्ब्रम भी उनके साथ हैं और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन भी चंपई के साथ हैं, यानी 3 विधायकों के साथ दिल्ली आए हैं चंपई सोरेन। आपको बताएं यहां पर उनके ट्रैवल को लेकर के, दिल्ली आने को लेकर, वो भी 3 विधायकों के साथ, पूरे अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिरकार दिल्ली आने की वजह क्या है। उनसे सवाल भी पूछा गया, बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पर उन्होंने सफाई नहीं दी। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर, अगले 3 दिन दिल्ली में ही चंपई रहेंगे, अस्पताल में हेल्थ चेकअप कराएंगे और आज और कल कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं होगी, ये जानकारी है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन से नाराज भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली आ रहे हैं, उनके साथ 3 विधायक भी हैं और ऐसे में उनकी विजिट को लेकर के कई तरीके की चर्चा, कई तरीके की बातें चल रही हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीरज, किस तरीके की बातें चल रही हैं इस विजिट को लेकर के, कह रहे हैं हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं, बाकी विधायक भी क्यों आए हैं उनके साथ? देखिए इसमें बिल्कुल सही है कि चंपई सोरेन दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली ही अगले 3 दिन रुकेंगे, उनके साथ 2-3 विधायक भी, सूचना मिल रही कि वो भी आ रहे हैं और वो भी दिल्ली रुकने वाले हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आज और कल उनकी भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता से कोई मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। फिलहाल वो आ रहे हैं तो अपोलो में उनकी
उनका हेल्थ चेकअप होना है, कल का उनका अपॉइंटमेंट है अपोलो में, कल वो अपोलो रहने वाले हैं, आज वो झारखंड भवन में ही रहने वाले हैं, और कल चेकअप के बाद वो परसों उनका परसों भी उनका हेल्थ चेकअप का ही शेड्यूल है, और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही है इसने कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनके संपर्क में हैं, और ये भी उतनी ही बात सही है कि वो हेमंत सोरेन से कुछ मुद्दों पर नाराज है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन ने कई ऐसे काम उनको सजेस्ट किए थे जिन कामों में उनको उनके और हेमंत सोरेन के बीच में मतभेद हो गए थे। इसके बाद जब वो हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और तो मुख्यमंत्री पद सबसे ही अगले दो दिन के अंदर ही चंपई सोरेन के पोस्टर पूरे राज्य के हर जगह से हटा दिए गए, इस बात को लेकर भी चंपई सोरेन थोड़ा सा उनसे नाराज है। लेकिन ये भी उतनी ही बात सही है कि चंपई सोरेन उन नेताओं में गिने जाते हैं जो शिबू सोरेन के बाद झारखंड मूवमेंट से के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे थे, और झारखंड से उनका झारखंड मूवमेंट में बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो बड़े एथिक्स वाले लीडर है, बड़े ग्राउंडेड लीडर है। ऐसे में उनका जेएमएम छोड़कर दूसरे दल में जाने में भी उनमें अभी दुविधा है। उन्होंने भाजपा के एक बड़े नेता से संपर्क किया था, में भी वो अपनी साझेदारी निभाते हुए चले आए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि ऐसा कौन सा ये बमर आता है जिससे कोई चेंज होगा या नहीं होगा, ये सारी अटकलें हैं, ये सब कुछ क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये खबर बड़ी है, इस पर नजर बनी रहेगी। चंपई सोरेन के दिल्ली आने पर ये बड़ी अपडेट आ रही है, अपने साथ दो विधायक भी आ रहे हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं। लेकिन इधर झारखंड में मैया योजना के तहत आज तमाम महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले राशि बांटी जा रही है, तो दूसरी तरफ अब चंपई सोरेन के दिल्ली आने की खबर आ गई है, साथ में दो और विधायक हैं। हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि किसी तरीके की पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, लेकिन उनका पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि सियासी सरगर्मियां बड़ी हुई हैं। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर ही हैं, उनकी नजर बनी हुई है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वहीं पहुंचेंगे और उनकी झलक मिले तो क्या पता उनसे बात हो और वहीं क्लियर कर पाए। बिलाल, आप जहां पहुंचे हैं क्या फ्लाइट के रिलेटेड या फिर कैसे आ रहे हैं, इसे लेकर की जो जानकारी है जरा बताइए। बिल्कुल स्नेहा, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्लाइट जिस फ्लाइट से आ रहे थे कोलकाता से चंपई सोरेन, वो फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड हो चुकी है। और देखिए आप यहाँ पर ये वो गेट है दिल्ली एयरपोर्ट का, वीआईपी गेट, इसी गेट से चंपई सोरेन जो है वो अब से कुछ देर में बाहर निकलेंगे। देखना होगा कि कितने विधायकों के साथ वो जो है वो बाहर निकलते हैं। आपको बता दूं कि यहां से चंपई सोरेन जो है वो सीधे झारखंड भवन जाएंगे। झारखंड भवन जाने के बाद उनकी जो जो बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं के संपर्क में है उनसे मुलाकात जो होनी है वो उसके बाद झारखंड भवन से वो निकल करके वो मुलाकात जो है वो करेंगे। लेकिन जैसा कि पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन से काफी नाराज जो है वो चंपई सोरेन इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि जब जेल में थे हेमंत सोरेन तो उस वक्त भी कई मुद्दों को लेकर के उन दोनों के बीच जो है वो मतभेद हुआ था। और अब जो है वो चंपई सोरेन जो है वो दिल्ली, अब उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है, तो कुछ देर में चंपई सोरेन जो है वो यहां से निकलने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट। अहमद बिलाल, मैं समझ रही हूं कि आपकी निगाहें बैकडोर पे हमेशा होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन इस दरमियान ये बताइए कि झारखंड भवन से आपके पास कोई इनपुट है, किस तरीके की जानकारी है कि उनकी मुलाकात किससे किससे कितनी होनी है, या इस बारे में कोई और पुख्ता सबूत? बिल्कुल स्नेहा, देखिए यहाँ से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि चंपई सोरेन जो है वो डायरेक्ट जो है वो झारखंड भवन पहले जाएंगे, वहां पर जो है वो किन नेताओं से मुलाकात होती है अभी ये जानकारी जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रही है। हम ये सवाल सीधे चंपई सोरेन से ही पूछेंगे जब वो इस गेट से बाहर निकलेंगे। तो फिलहाल उनकी फ्लाइट जो है वो दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है और अब उनके निकलने का इंतजार है। मीडिया जो है उनसे ये सवाल जो है एबीपी न्यूज भी उनसे सवाल ये जरूर पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल अहमद, आप नजर जमाए रहिए, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं बिल्कुल मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। यानी कुल मिलाकर के ये सवाल बहुत लाजमी हो जाता है कि अगर वो आए हैं तो कितने विधायकों के साथ, कितने लोगों के साथ आए हैं, परिवार के साथ आते, इलाज कराते या कोई बात नहीं होती तो अलग बात थी, लेकिन अब पूरा मुद्दा इसलिए है कि तीन विधायकों के साथ चंपई सोरेन का दिल्ली आना, झारखंड भवन जाना, और वहां पर निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि वहां उनकी मुलाकात किससे होती है, बात किससे होती है। कुल मिलाकर के इसे ही लेकर के संशय के बादल छाए हुए हैं। फ्लाइट की डिटेल भी रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी स्क्रीन पे, कितने देर में और इंतजार करना पड़ सकता है और किस टर्मिनल पे है, ये सारी जानकारी ताकि अंदाजा लगे कि अमूमन कितनी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं वो। आ,
बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है। फिलहाल फ्लाइट जो है वो रनवे पर है, तो कब तक डिबोर्डिंग होने वाली है फ्लाइट की, तो तकरीबन एयरपोर्ट से बाहर निकलने में 15 से 20 मिनट का वक्त जो है वो लगेगा। 15 से 20 मिनट में चंपई सुरेन जो है वो यहां से निकल जाएंगे, और जैसा कि अटकलें लगाई जा रही है, आप भी बता रहे थे कि हेल्थ चेकअप के लिए चंपई सुरेन जो है वो उन्होंने अपोलो अस्पताल में जो है वो अपॉइंटमेंट ले रखा है। लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, क्योंकि नवंबर महीने में झारखंड में चुनाव होने वाला है, तो एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मी जो है वो झारखंड के लिहाज से देखने को मिल सकती है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि चंपई सुरेन बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है, उनकी किस नेता से मुलाकात होती है। हालांकि ये भी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो झारखंड के सहप्रभारी हैं, उनसे चंपई सुरेन की मुलाकात जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे में दिल्ली आना उनका कहीं ना कहीं इस राजनीतिक सरगर्मी की ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं से मुलाकात जो है चंपई सुरेन की, वो किन हालातों में और किन मुद्दों पर बातचीत होती है, इन सब को लेकर। यही तो बात है, अगर इतना सारा धुआं है तो क्या चिंगारी भी नहीं होगी? चलिए नीरज से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप नजर गड़ा के रखिएगा, जैसे ही मूवमेंट होगी जरूर बात करने की कोशिश की जाएगी। भाई दूध का दूध पानी का पानी तो चंपई सोरेन ही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि आखिर 3 विधायकों के साथ वो अस्पताल जाएंगे या झारखंड भवन में मुलाकातों का सिलसिला होगा। अगर होगा भी तो बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये भी एक पर्सनल मैटर है। लेकिन अब नीरज का रुख करते हैं। नीरज ये बताइए कि जैसा कि अहमद बिलाल भी कह रहे हैं और सभी जानते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास प्रभार रहा है, उनकी मूवमेंट बड़ी देखी गई है, चाहे वहां बाढ़ की स्थिति हो, सोशल इश्यूज हो, सब पे बड़े मुखर तरीके से बोलते चले आए हैं, लेकिन उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी तो है, इतनी सारी बातें यूं ही तो नहीं हो रही होंगी, वो असम गए थे। देखिए इसने बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो असम गए थे, लेकिन असम में उनकी हेमंता बिस्वा शर्मा से कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जब भी किसी मुख्यमंत्री से कोई मिलने जाता है तो सिक्योरिटी और तमाम चीजें होती हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती हैं। तो फिलहाल मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा की गुवाहाटी में उनसे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि चूंकि चंपई सोरेन राजनीतिक व्यक्ति हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा भी बहुत ही हाईली पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और इस समय वो झारखंड के सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते में 2 दिन वो इस समय झारखंड में ही समय दे रहे हैं, तो उनका संपर्क में आना कोई बहुत अति संयोगी नहीं होगी। सही बात है नीरज, कोई हफ्ते में 2 दिन झारखंड में रह रहा है, आप म्यूट हो जा रहे हैं, मे बी नेटवर्क इशू है। तो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में उनके साथ 2 विधायक भी आ रहे हैं, तो ये भी है कि राजनीतिक व्यक्ति जब रहता है तो हेल्थ चेकअप तो एक बहाना हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे, अच्छा, वो किनसे मुलाकात करेंगे। आप अक्सर पॉलिटिकल लोगों को फॉलो करते हैं, जब कोई इलाज के लिए आता है तो परिवार के साथ आता है कि विधायकों के साथ आता है, अमूमन होता क्या है? देखिए आमतौर पर जब आता है तो परिवार के साथ ही आता है, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल व्यक्ति है, इनके साथ 2 विधायक आ रहे हैं, तो इसी से सवाल तो इसी बात से खड़े हो रहे हैं कि वो दिल्ली क्या करने आए हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो दिल्ली आकर वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो और यहाँ आने के बाद वो समय मांगे। नीरज ये भी तो है कि अगर बीजेपी वाले नेता से अपॉइंटमेंट फिक्स होगी तो बीजेपी वाला नेता कंफर्म भी कहाँ करेगा, बीजेपी कितनी रीति ली रही है। कंफर्म तो चंपई सोरेन भी कभी नहीं करेंगे जब तक कि वो ज्वाइन नहीं कर लेंगे। हम लोग भी जो कयास लगा रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जो धुआं उठ रहा है उसी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कहीं जल रही है। तो ये बात सही है कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी से नाराज है, अपने नेता से नाराज है, हेमंत सोरेन से नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी है ये भी। लेकिन ये भी उतना ही सही कि अच्छा, अभी तक उन्होंने और बैकग्राउंड में चलते हैं, जब तक कि कोई नई डिटेल नहीं आती, थोड़ा और बैकग्राउंड में चलते हैं। उनकी नाराजगी की खबरें चंपई सोरेन की किन किन बातों से थोड़ी निकल करके पब्लिकली सामने आई, उस पर नजर डालिए, कैसे लगता है लोगों को, क्योंकि वो तो कभी बताएंगे कि नहीं हम नाराज चल रहे हैं, लोगों को क्यों लगता है कि वो नाराज हैं? देखिए इसने, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाया था अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए। अच्छा, उस समय उन्होंने कई ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले किसी के जरिए मैसेज करवाया था कि आप इन इन लोगों का ट्रांसफर यहाँ यहाँ कर देंगे। अच्छा। जिसमें चंपई सोरेन ने कुछ लोगों के ट्रांसफर तो किए लेकिन कुछ लोगों के ट्रांसफर नहीं किए। ये बात हेमंत सोरेन को बार गुजरी कि चंपई जो मेरे ही पार्टी के नेता हैं, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, उस पार्टी का मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, सबसे बड़ा चेहरा हूँ। क्लासिक जड़ वही है, क्लैश ऑफ टाइटंस, कौन है ज्यादा पावर में। हमारे सहयोगी नीरज और अहमद बिलाल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, जिस खबर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं उसका जिक्र करते हैं। कोलकाता कांड पर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां टीएमसी नेता है कुणाल घोष, उनका बयान सामने आया है। सुखेंदु शेखर की मांग अनैतिक है। कुणाल, आपको बताया सुखेंदु शेखर भी टीएमसी के सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि
जो कमिश्नर हैं उनका भी बयान लेना चाहिए, उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस पूरी जांच में। अब अपने ही टीएमसी सांसद के बयान का विरोध करने के लिए एक और सांसद का नाम सामने आया है और टीएमसी नेता का नाम सामने आया है। कुणाल घोष ने कहा है कि सुखेंदु शेखर की जो मांग है वो अनैतिक है। इनकी मांग ये थी कि इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर पर भी सवाल उठने चाहिए, सीबीआई को इनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए। और केस ये रेप टू मर्डर, वी आल्सो डिमांड जस्टिस। ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, शी आल्सो डिमांड जस्टिस। लेकिन आज ऑनरेबल एमपी सुखेंदु शेखर राय जी जो ट्वीट किया, पुलिस कमिश्नर को कस्टडियल इंटरोगेशन चाहिए, ये जो डिमांड है इसको हम ऑपोज कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑनरेबल सीपी विनीत गोयल, ही हैज डन हिज बेस्ट विद इन 12 आवर्स, एन अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गया और इंटरोगेशन चल रहे थे। हो सकते थे सीएम ने 3-4 दिन मांगा था तो उसमें और बड़ा ब्रेक थ्रू का पोजीशन था, ब्रेक थ्रू हो सकता था। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है। लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए, जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एट द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वे। सो दिस डिमांड, वी स्ट्रॉन्गली कंडेम दिस डिमांड ऑफ अरेस्टिंग सीपी। ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर कुणाल घोष खुद ही कह रहे थे कि उन्हीं के सांसद ने जो एक्सपर्ट पोस्ट किया है वो नहीं करना है। बड़ी खबर, कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन और चंपई सोरेन की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं। कोलकाता से दिल्ली आ रही फ्लाइट लैंड होने के बाद अब उनका इंतजार है। एयर इंडिया के फ्लाइट से वो आए हैं, T3 पर हैं और जैसे ही अब किसी भी वक्त वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए। अहमद, क्या कंडीशन है? हाँ बिल्कुल स्नेहा, देखिए फ्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है। अब से कुछ देर का इंतजार जो है वो बस है, जब इसी वीआईपी गेट से चंपई सोरेन जो है वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो कौन सी राजनीतिक मुलाकात है, ये सारे सवाल जो है वो एबीपी न्यूज उनसे जरूर पूछेगा। लेकिन एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मी जो है वो इस वक्त झारखंड को लेकर के देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, जब जेल में थे तब चंपई सोरेन जो है वो कुछ महीनों के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। लेकिन उसके बाद जो जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए, वापस से वो उन्होंने मुख्यमंत्री जो है वो बने। लेकिन इसके बाद चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में जो है वो मतभेद की बातचीत जो है वो निकल करके सामने आई। चंपई सोरेन एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो जेएमएम का एक माना जाता है, बड़ा राजनीतिक चेहरा है, क्योंकि बिहार से जब झारखंड अलग होकर के बना था उस वक्त उस आंदोलन में भी चंपई सोरेन जो है ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शुभो सोरेन के एक ट्रस्टेड एड जो है वो चंपई सोरेन माने आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ महीनों बाद नवंबर में ही झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम का एक बड़ा चेहरा वो अभी यहां से एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो सीधे यहां से कहां जाएंगे, इसके बारे में कोई खबर मिल रही है क्या? और आज और कल उनकी किन किन से मुलाकात होगी, कोई भी इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल स्नेहा, देखिए या जो सूत्रों के मुताबिक है कि चंपई सोरेन यहां दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल करके सीधे वो झारखंड भवन जाएंगे, जहां पर वो अपने कुछ जो उनके नजदीकी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं, किन नेताओं से वो बातचीत होती है। बिल्कुल, देखिए उनके झारखंड भवन पहुंचने तक तो बहुत सारी खबरें आती रहेंगी, लेकिन अहमद बिलाल हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए। T3 बड़ा एयरपोर्ट है, देखिए लंबा वक्त लगता है चल के पहुंच के आने में, जैसे ही तस्वीरें आएंगी
लिए हम आपका रुख करेंगे। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां अगले 3 दिन दिल्ली में ही चंपई सोरेन को रहना है, अस्पताल में उनका हेल्थ चेकअप होना है, यह भी जानकारी है। और अब कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है ऐसा कहा जा रहा है उनकी ओर से, लेकिन उनके साथ 3 विधायक आ रहे हैं। और अहमद बिलाल, आपसे मैं यही सवाल करने वाली थी इस ब्रेकिंग से पहले कि उनके साथ बाकी जो 2 विधायक आ रहे हैं उनकी डिटेल्स और उनका आना कन्फर्म कितना है, श्योर कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिन 2 विधायकों की बात कही जा रही है सूत्रों के मुताबिक वो भी इसी फ्लाइट में है, चंपई सोरेन के साथ ही वो इस फ्लाइट में है। चंपई सोरेन के बेहद करीबी वो विधायक जो है वो माने जाते हैं और वो भी चंपई सोरेन के साथ सीधे झारखंड भवन जाएंगे। और जैसा कि सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन जो है वो अस्पताल में अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हेल्थ चेकअप के लिए आते तो फिर कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य होते, 2 विधायक क्यों साथ में होते, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें जो हैं वो उनमें एक हवा जो है वो जरूर मिल रही है कि 2 विधायकों के साथ आना। अहमद बिलाल, देखिए ना, मैया योजना के तहत राशि बांटी जा रही है, ये विधायक तो अपने विधानसभा क्षेत्र में हो सकते थे ना, जब ये राशि बांटी जा रही होती तो तमाम बहनों से राखी बंधवा रहे होते, क्योंकि यही तो नोशन था। इतनी बड़ी योजना जिसे महत्वाकांक्षी योजना कह रही है झारखंड सरकार, उस योजना वाले दिन भी वो लोग यही रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जो काफी बड़ी योजना थी सरकार की, झारखंड सरकार की, और व्यापक स्तर पर पूरे झारखंड में ये योजना जो है वो इसको जो है वो प्रचारित किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में इन 2 विधायकों को यहाँ पर आना, चंपई सोरेन के साथ आना, तो कहीं ना कहीं अटकलबाजी के बाजार को और गर्म करता है साथ में आना। और अब हम इंतजार जो है वो अब इसी गेट का है, गेट से निकलते ही चंपई सोरेन से हम ये सवाल जो है वो जरूर पूछेंगे कि उनका आगे का प्रोग्राम जो है वो क्या होने वाला है। तो अब से कुछ देर का इंतजार जो है वो एबीपी न्यूज़ के दर्शकों बिल्कुल, को भी करना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी खामोशी भी आज बोल देगी, सवालों पे जवाब देंगे तो भी जवाब मिलेगा, और सवालों से बचते फिरेंगे तो भी एक अपने आप में जवाब है, या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए, कुछ ना बोल के भी आप बोल ही जाएंगे, है ना। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिनों पहले जब वो जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन एब्राम से जब मिलने गए थे तो उस वक्त मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, उस वक्त चंपई सोरेन ने जरूर ये कहा था कि अभी जहां पर हैं वो वहां पर ठीक है, लेकिन उसके बावजूद चंपई सोरेन का जिस तरीके से दिल्ली आना कहीं ना कहीं उस राजनीतिक अटकलबाजी को और ज्यादा गर्म करता है कि ऐसे में, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अहमद बिलाल उनका एयरपोर्ट से बाहर आना, झारखंड भवन तक बाहर जाना और वहां पर 3 दिन रुकना अपने आप में सियासी अटकलों के लिए काफी है, वो भी 2 विधायकों के साथ। इस तस्वीर पर नजर बनी है, वो बोले ना बोले, कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है झारखंड को लेकर के। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर चंपई सोरेन अब बाहर आने ही वाले हैं एयरपोर्ट से, वो पहुंच चुके हैं यहाँ दिल्ली कोलकाता से, और ये सीधी तस्वीर आपको एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं। अब अगला मूव क्या होगा यहाँ से चंपई सोरेन का, इसी पर निगाहें टिकी हुई है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन, उनके साथ में 3 विधायक भी हैं, झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए चुनाव से एन पहले अगर इस तरीके से कोई परिवर्तन होता है सियासी तौर पर तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा और बहुत बड़ा झटका। ये देखिए चंपई सोरेन आपको इसमें नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर सीधी एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सीआईएसएफ के जवान यहां कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जाने दो अगर नहीं बोलना चाह रहे हैं तो। क्या मकसद है, खबर ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने की आपकी खबरें आ रही है, क्या कहेंगे? जी सर, माइक नीचे। सर बोलिए। देखिए अपना निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल होने की बात है, जैसे भी आप कलकत्ता में मिले वहाँ क्या कुछ बात हुई कलकत्ता में बीजेपी के? देखिए अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। तो अभी आप झारखंड में बोलने दे, वही बोलने दे यार, वही बोलने दे। जी जी सर, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, है ना, और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। सर बीजेपी ज्वाइन करने
देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आ गए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी, सर बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। बीजेपी के नेताओं से मीटिंग होगी, बीजेपी के नेताओं से मीटिंग होगी। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। अभी मुलाकात है, अच्छा इनसे मुलाकात का टाइम है, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। जब हमारा कार्यक्रम है हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी मुलाकात हो सकती है। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम, वहाँ क्यों गए थे आप बताएं? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम देखो हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम चंपा जी एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप कह रहे क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल आप ऐसे ही सवाल करता है भाई, हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। अभी हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, अभी हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे अभी। लेकिन सवाल यह है कि ये अभी की मियाद क्या है, क्योंकि अटकलों का बाजार तो कहता है कि अभी की मियाद खत्म हो सकती है, और अभी जब आप झारखंड भवन जाएंगे तो कुछ लोगों से मुलाकात होगी और वो लोग बीजेपी के हो सकते हैं। अभी हम जहां हैं वहीं रहेंगे, इस लाइन से आगे नहीं बढ़े चंपई सोरेन। इसके साथ उन्होंने किसी भी सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा निजी काम से आए हैं। कोलकाता क्यों गए थे तो एक बार फिर से वही लाइन दोहरा दी कि अभी जहां हैं वहीं रहेंगे। अभी बोल करके उन्होंने फिर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, यानी कयासों का बाजार गर्म था, गर्म है और आने वाले 3 दिन तक तो गर्म रहेगा ही, जब तक कि वो दिल्ली में है। कह रहे हैं कि निजी कार्यक्रम है, हमारे बच्चे हैं दिल्ली में, उनसे मिलने आए हैं। हालांकि वो जा रहे हैं झारखंड भवन, उनके साथ 2 विधायकों की मौजूदगी। ऐसे में अब अटकलों का बाजार इनके इस बयान से और गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। चले, 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 तो चंपई सोरेन है एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और तमाम मीडिया के भले ही सवाल में वैरायटी हो, उनकी जवाब 2 लाइन में, उनका जवाब 2 ही लाइन का था, अभी जहां हैं वहीं रहेंगे और निजी काम से दिल्ली आए हैं। इसके इतर तीसरी लाइन उन्होंने कुछ नहीं बोली। आप लोग कुछ भी सवाल पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, इतना कहा और इसके जवाब में वही लाइन 3 बार दोहरा दी कि अभी जहां हैं वहीं रहेंगे, अभी जहां हैं वहीं रहेंगे और निजी काम से आए हैं। इन 2 लाइंस के अलावा चंपई सोरेन ने कुछ भी नहीं कहा। मीडिया ने हर एंगल से सवाल पूछ लिया कि आप आदिवासी नेता, आपको चुनाव में चुनाव लड़ने के बाद आपकी दावेदारी हटाती, लेकिन किसी भी सवाल का कोई भी और जवाब नहीं दिया। क्या मतलब है, खबर ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने की आपकी खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? सर बोलिए, ठीक है, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। चुप, जी सर, जी सर, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए हैं जी। आपके भाजपा में शामिल होने की अधिकारी से आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात? कलकत्ता में बीजेपी के नेता देखिए कि जो है वो जरूर ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन आप यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि चंपई सोरेन जो है वो अब यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से जो है वो बाहर निकल रहे हैं और सीधे चंपई सोरेन जो है वो यहाँ से झारखंड भवन जाएंगे और झारखंड भवन में उनकी जो है वो अपने जो निजी उनके सलाहकार हैं उनके साथ बैठक होगी। और जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि आज बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से इन सभी अटकलों को जो है वो नकारा गया है और चंपई सोरेन का ये कहना है कि वो जहां पर हैं वहां पर ठीक हैं। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद दुलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए किसी भी तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा कि
कोई बदलाव, किसी भी सवाल का दो लाइन से इतर जवाब नहीं दिया कि अभी जहां हैं वहीं ठीक हैं, अभी जहां हैं वहीं रहेंगे, निजी काम से दिल्ली आए हैं। यही दो बातें उन्होंने कही और इससे इतर कुछ भी नहीं कहा। अब वो पहुंच चुके हैं झारखंड भवन की ओर, रवाना हो चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद। पहले तो उन्होंने मीडिया से बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि तमाम जवान उन्हें गार्ड कर रहे थे और कह रहे थे कि बात नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन जब मीडिया ने उन्हें घेरा और सवाल पूछा कोलकाता क्यों गए थे, क्योंकि ये फ्लाइट कोलकाता से ही दिल्ली आ रही है, ऐसे में अहमद बिलाल जुड़ गए। उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की बातें हुई हैं और क्या कुछ उससे निकल के समझ में आया है। अहमद बिलाल, कितने भी सवाल पूछे गए हों उन्होंने बस वही दो लाइन कही है, अभी जहां हूं वहीं रहूंगा, इसके अलावा निजी काम बताया। बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि चंपई सोरेन से एबीपी न्यूज ने सीधा सीधा सवाल ये पूछा था कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो इस सवाल के जवाब में उनका साफ तौर पे यही कहना था जो कि उन्होंने दो दिन पहले कहा था मीडिया से, कि वो जहां पर हैं वहां पर वो खुश हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जब एबीपी न्यूज ने पूछा कि क्या हेमंत सोरेन से भी किसी तरीके की चंपई सोरेन की नाराजगी है, तो इस सवाल पर चंपई सोरेन की तरफ से कोई पुख्ता जवाब जो है वो नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक अटकलबाजी है, उस पर क्या हुआ, चुप हो गए, कहीं ना कहीं आग जो है वो जरूर। जी बिल्कुल इस सवाल के जवाब पर जो है वो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने ये भी सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी के कुछ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, इस पर भी चंपई सोरेन का जवाब यही था कि वो अपने निजी कारणों से, निजी काम की वजह से उनका दिल्ली जो है वो आना हुआ है। हालांकि वो कोलकाता में थे, कोलकाता में क्या बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, इस सवाल को भी चंपई सोरेन जो है वो बड़ी खूबसूरती से टालते दिखे। तो कहीं ना कहीं जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक धुआं उठा है, तो कहीं ना आग जो है वो, क्योंकि देखिए इससे पहले भी खबर चल रही थी कि अपोलो में अपॉइंटमेंट है, जवाब जो है वो चंपई सोरेन की तरफ से दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटी से मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इस सवाल को भी हम मीडिया की तरफ से उनके सामने रखा गया था कि क्या हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, बेटी उनकी दिल्ली में रहती है और उनसे मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सवाल है उस पर वो टालते दिखे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के सीधे सवाल पर भी चंपई सोरेन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो जहां पर हैं अभी वहां पर खुश हैं, लेकिन कब तक वहां पर रहेंगे, इस सवाल का जवाब जो है वो चंपई सोरेन की तरफ से नहीं दिया गया। हमने ये भी सवाल पूछा कि अगले कुछ महीनों में झारखंड में एक जो विधानसभा का चुनाव हुआ है वो होने वाला है, जीएमएम के एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन उस पर भी चंपई सोरेन की तरफ से यही कहा गया कि अभी भी जो है वो जहां पर हैं अभी फिलहाल वहां वही पर तो बात वो है, खुश है। तो बिलाल ये अभी जो है ना, ये अभी कई सवाल खड़े कर रहा है, जिस वजह से मीडिया इकट्ठा होकर उनसे बार बार पूछना चाह रही है। तीन दिन का ये दौरा है, पूछा गया कोलकाता क्यों गए हैं, वहां नहीं बताया, दिल्ली का बताया, निजी कार्यक्रम है। अब देखते हैं तीन दिन तक ये रहने के इस पूरे सिलसिले के दरमियान किस तरीके की अपडेट्स आती हैं।